व्यवस्था में अब तौकीर रजा के समर्थन के लिए ये लोग पहुंचे हुए हैं। वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, हंगामा, भारी हंगामा बरेली की सड़कों पर इस वक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस पहुंची थी मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि यह अंदेशा था पुलिस को कि जैसे बयान दे रहे हैं तौकीर रजा, उसके बाद तो मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा, स्थिति हाथ से बेहाल ना हो जाए, इसीलिए तौकीर रजा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का पहुंचना। और फिर ये आप देखिए कैसे उनके समर्थकों का हुजूम या सड़कों के ऊपर इस वक्त दिखाई दे रहा है। ये सभी लोग तौकीर रजा के समर्थक हैं, उनको पुलिस पकड़ ले बस इसी के लिए ये यहाँ पर पूरा हुजूम उमड़ा हुआ है और तौकीर रजा के समर्थन में यहाँ पर नारेबाजी की गई है। कल पहुंचे थे तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाकायदा, और उसी में तमाम तरह के भड़काऊ बयान उनकी तरफ से कहा गया था। ये तक कह दिया था तौकीर रजा ने, कल ये तक कह दिया था कि हमारे ऊपर अगर किसी तरह का कोई एक्शन लिया जाता है तो फिर हम भी छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, ये कहा था तौकीर रजा ने। और ये भी उन्होंने कह दिया था कि जान लेने तक से हम परहेज नहीं करेंगे। अब ये जरा देख लीजिए उनका वो भड़काऊ बयान, और फिर ऐसे ही बयान वो और न दे सके इसलिए पुलिस पहुंची हुई थी उनकी गिरफ्तारी के लिए। अब ये आप देखिए कैसे ये सारे समर्थक हैं, इस पार से उस पार तक ये जितने लोग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये तौकीर रजा के समर्थक हैं, और वो नहीं चाहते कि पुलिस तौकीर रजा को ले जाए, लेकिन वही भड़काऊ बयान, और उसके बाद आप देखिए स्थिति क्या हो गई है। बस यही स्थिति ना हो जाए इसी के लिए तो पुलिस पहुंची थी, इसी के लिए पुलिस पहुंची थी। और सामूहिक गिरफ्तारी की बात कल तौकीर रजा की तरफ से कही गई थी, ये सामूहिक गिरफ्तारी की तस्वीर है, ये उसी सामूहिक गिरफ्तारी की अब वो खुद भी गिरफ्तारी देने जा रहे हैं, और इन तस्वीरों में ये जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये उसी सामूहिक गिरफ्तारी का हिस्सा यहाँ पर है। ये बरेली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, दो तस्वीरें आपके सामने, एक तो तौकीर रजा आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं वो भी गिरफ्तारी दे रहे हैं, और वही दूसरी तरफ उनके जितने समर्थक हैं वो भी अब यहाँ पर गिरफ्तारी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सामूहिक गिरफ्तारी है, तौकीर रजा के साथ साथ उनके जितने समर्थक हैं अब वो भी गिरफ्तारी दे रहे हैं। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल प्रमुख है मौलाना तौकीर रजा, उन्हीं की गिरफ्तारी और उनके साथ ये कितना बड़ा हुजूम उनके समर्थकों का, अब वो भी गिरफ्तारी के लिए निकल चुके हैं। तो कल तौकीर रजा ने जो बातें कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सामूहिक गिरफ्तारी की भी अब बात कही थी, अब वही इन तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा है। ऐलान उनकी तरफ से किया गया था पूरे देश में जेल भरो आंदोलन करके अपनी गिरफ्तारी वो देंगे, ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करके बात कही थी। अब देख लीजिए तौकीर रजा और उनके समर्थक, सामूहिक गिरफ्तारी का कल ऐलान और आज वही गिरफ्तारी, इस वक्त सामूहिक गिरफ्तारी क्योंकि बड़ी संख्या में उनके समर्थक है इन तस्वीरों में। उत्तर प्रदेश के बरेली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और वो जो भड़काऊ बयान था तौकीर रजा का वो भी न्यूज 18 इंडिया की स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं। ज्ञानवापी के ऊपर भी भड़काऊ बयान दिया गया था तौकीर रजा की तरफ से, बाबरी देवी ज्ञानवापी नहीं देंगे, तौकीर रजा ने ये बात कही है। बाबरी पर सब्र किया अब हिंदू सब्र करें, ये ज्ञानवापी के लिए वो बोल रहे हैं, सड़कों पर लड़ेंगे ज्ञानवापी की लड़ाई, ये तमाम भड़काऊ बयान तौकीर रजा के। इसके साथ साथ ऐलान उनकी तरफ से ये भी कि बरेली क्या पूरे देश में सामूहिक गिरफ्तारी दी जाएगी। अब वही तस्वीर बरेली से इस वक्त दिखाई भी दे रही है, आपको सुना भी देते हैं कि गिरफ्तारी के लिए किस तरह से अपने समर्थकों से तौकीर रजा ने अपील की थी। इन तमाम बेईमानियों से एक बेचैनी का माहौल बना हुआ है पूरे देश में, सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, गैर मुस्लिमों में भी इन चीजों को लेकर काफी बेचैनी है। तो इस बेचैनी को दूर करने के लिए और खौफ व हिरास को दूर करने के लिए हमने जेल भरो आंदोलन कल बरेली से शुरू करने जा रहे हैं, और इसे इंशाल्लाह देशव्यापी इस आंदोलन को बनाया जाएगा, इन तमाम बेईमानियों को उजागर किया जाएगा, इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ गिरफ्तारियां दी जाएंगी। तो शुरुआत बरेली से हम करने जा रहे हैं, ये कहा तौकीर रजा ने, और पूरे देश में बाद में ऐसी गिरफ्तारियां दी जाएंगी, लेकिन शुरुआत बरेली से हम करेंगे, बरेली से शुरुआत हो भी चुकी है। तस्वीर भाई हम आपको सुना रहे हैं, तौकीर रजा का बयान सुनकर ये लग रहा है कि तौकीर रजा शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन आखिर उनका मकसद क्या है ये किसी से भी छुपा नहीं है, और इसीलिए उस मकसद की तस्वीर भी सामने है। पुलिस से किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं होनी चाहिए, जहां हमें पुलिस और प्रशासन का भी सहयोग करना है, अपने शहर के अमन की भी हिफाजत करनी है, जिला प्रशासन से जिला पुलिस से किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं करेंगे,
अव्वल तो मुझे यकीन है कि पुलिस रोकने की कोशिश नहीं करेगी, लेकिन अगर रोकने की कोशिश की जाए तो जहां भी रोका जाए आप वहीं धरने पर बैठ जाए और वहीं अपनी गिरफ्तारी का उनसे मांग करें कि यहीं हमें गिरफ्तार कर लिया जाए। तो देखिए एक के बाद एक भड़काऊ बयान तौकीर रजा की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि जहां पर भी रोका जाए, पहले तो शायद पुलिस रोकेगी नहीं लेकिन जिस जगह भी तुम्हें रोका जाए बस वहीं पर बैठ जाओ, सड़क पर बैठ जाओ, गिरफ्तारी वहीं पर दो। ये सारी बातें तौकीर रजा की एक एक करके हमने आपको सुनाई। अब न्यूज 18 इंडिया के अमित मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए, उनका भी मैं रुख कर लेती हूँ। अमित, बरेली में अभी क्या हालात है? तस्वीरें देखकर तो लग रहा है बड़ी संख्या में समर्थक सड़कों के ऊपर उमड़े हुए हैं। यहाँ बिल्कुल देखिए पुलिस, लेकिन जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा ने इस प्रोटेस्ट का आह्वान किया था कि नमाज अदा करने के बाद वो बड़ी तादाद में गिरफ्तारी देंगे, तो उसके बाद से पुलिस लगातार अलर्ट पे थी और इस वक्त बरेली के चप्पे चप्पे पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की तैनाती है और लगातार ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। फिलहाल जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा अपने घर से निकले हैं, उसके बाद नमाज अदा की है, नमाज अदा करने के बाद बड़ी तादाद में उनके समर्थकों के साथ वो आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया है। वो इंटर कॉलेज से गिरफ्तारी देने वाले थे लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। तो जाहिर तौर पर मौलाना तौकीर रजा जो कि अपने विवादित बयानों के लिए काफी जाने जाते हैं, जिस तरीके से हमने उनके पुराने विवाद बयान देखे हैं, चाहे अभी हाल ही में भारत रत्न जब लालकृष्ण आडवाणी को दी गई थी तो उस दौरान कुछ तरीके से उन्होंने विवादित बयान किया। तो जाहिर तौर पर अपने विवादों में रहने और सुर्खियों पर बने रहने का तौकीर रजा का ये आदत है और तौकीर रजा को फिलहाल पुलिस ने रोक दिया है और लेकिन वह अपने भारी समर्थकों के साथ वही बरेली में जहां रोका गया है वहीं से वो गिरफ्तारी देंगे। और जिस तरीके से तौकीर रजा ने ऐलान किया था उसको देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में जुम्मे की नमाज के बाद अलर्ट जारी किया गया था। हर चप्पे चप्पे पर, बरेली के चप्पे चप्पे पर तो तैनाती है ही उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की। बहरहाल जो उत्तर प्रदेश जवानों की तैनाती उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के संवेदनशील इलाकों में है, तो पुलिस बिल्कुल अलर्ट थी क्योंकि जिस तरीके से बीते कल हल्द्वानी में हमने पत्थरबाजी देखी थी उसके बाद से लगातार अलर्ट जारी किया गया था संवेदनशील इलाकों में और उसके बाद वही बरेली में तौकीर अपने आप को बड़े मसीहा के तौर पे बताते हैं कि वो मुसलमान, तो जाहिर तौर पर ऐसे समय में उन्हें सभी धर्मों की एकता की बात करनी चाहिए, तो वो गैरवासी को लेकर प्रोटेस्ट करें। जी कई